की हत्या का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली में 12/6/2022 को रात करीब 10:45 पर LJP अस्पताल में PSIP स्टेट में सूचना मिली कि दिल्ली के मृदंड रोड निवासी 29 साल के फरजन को चाकू मारकर LJP अस्पताल में मृत लाया गया। तदनुसार PSIP स्टेट में FIR संख्या 208/2022 दिनांक 13/6/2022 के तहत 302, 307, 34 IPC और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की गई तो DCP श्वेता चौहान ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी IP स्टेट निरीक्षक की देखरेख में समर्पित पुलिस टीम संजीव कुमार, SI मनोज कुमार, नरेंद्र प्रताप, SC ओम प्रकाश, अमिताभ महेंद्र का गठन कर दरियागंज श्री समग्र देखरेख में किया गया। मामले को सुलझाने के लिए गुरुसेवक सिंह की टीम हरकत में आई और आरोपी व्यक्तियों की पहचान राजकुमार और भोला मुस्तफिक उर्फ मोटा के रूप में हुई। दोनों आरोपी दिल्ली से भाग गए और गाजियाबाद की ओर गए। तत्काल IPC LJP SI मनोज कुमार, SC अशोक कुमार और CT महेश कुमार की देखरेख में पुलिस टीम आरोपी व्यक्तियों को पूछताछ के लिए भेजा गया। पुलिस टीम लगातार पीछा किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 400 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में हरिद्वार के ज्वालापुरी स्थित CNG पंप स्टेशन पर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी राजकुमार और भोला प्रेमनाथ निवासी मीर दर्द रोड दिल्ली और मुस्तफा और मोटा पुत्र नसीमुद्दीन निवासी तुरकान दिल्ली गेट को टीम ने पकड़ लिया। स्विफ्ट कार संख्या DL12C0192 को जब्त कर लिया और कार से हथियार चाकू बरामद कर लिया गया। पूछताछ में राजकुमार पुत्र भोला निवासी SHO ने से पूछताछ में 424 टकिया काके खान मृदंग रोड दिल्ली ने खुलासा किया कि उसे लगभग एक साल पहले मृतक फरमान की भाभी से शादी हुई थी। आगे खुलासा किया कि मृतक की पत्नी और सबरीना आरोपी राजकुमार की सगी बहनें फरमान और उसकी पत्नी आलिया का परिवार के बीच सबरीना की अंतर धार्मिक शादी को लेकर पारिवारिक विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि राजकुमार और भोला मुस्तकीब ने मृतक फरमान की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक का पिता होने के कारण वह भी घायल हो गया जबकि वह अपने बेटे फरमान को बचाने की कोशिश कर रहा था। निरंतर पूछताछ से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने कुछ दिन के बाद नेपाल भागने की योजना थी। से आरोपी मुस्तकीब राजकुमार का दोस्त है, उसके मारुति स्विफ्ट कार की व्यवस्था की। दोनों आरोपियों को नेपाल भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। देर रात एक इन्फॉर्मेशन आई LNJP हॉस्पिटल से कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद फरमान है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उसको किसी ने चाकू मारा है और उसकी हत्या हो गई है। इस खबर के शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि मोहम्मद फरमान जो है वो IP स्टेट थाने के मीर दर्द रोड का रहने वाला है और वहीं पे एक आपसी लड़ाई में पड़ोस में ही रहने वाले एक राजकुमार ने उसको चाकू मारा है। दो लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, राजकुमार और मुस्तकीम, और उन्होंने चाकू मार के वो वहां से भाग गए हैं। इसकी राजकुमार की लोकेशन जो है, उस समय जब हमने उसको फोन को लोकेट किया और हमारी टीम तुरंत एक्शन में आई तो पता चला कि ये गाजियाबाद में कहीं भागा हुआ है। हमने इसके फोन को तुरंत टेक्निकल सर्वेलेंस पे लिया और हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए निकली। मालूम चला कि वो आगे भागता हुआ मुजफ्फरनगर होता हुआ इंडिया से बाहर नेपाल जाने की तैयारी में है। लगभग 400 किलोमीटर की चेस के बाद हमारी टीम ने उसे हरिद्वार से इंटरसेप्ट किया, उसको हरिद्वार में हमने अरेस्ट किया और वहां से हम उसको लेकर आए हैं दिल्ली। इसके साथ ही हमने ये जो हत्या का मामला था उसको सॉल्व कर लिया है। दो लड़कों को अरेस्ट किया है इसमें, राजकुमार और मुस्तकीम। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मोहम्मद फरमान और राजकुमार आपस में रिश्तेदार हैं। फरमान जो है उसकी वाइफ आलिया और राजकुमार की वाइफ सबरीना बहने हैं, लेकिन फरमान और उसके फादर इदरिश इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे थे। उनको इस रिश्ते से एतराज था, लगातार घर में कलह का माहौल रहता था और मोहम्मद फरमान और इदरिश ने दबाव बनाया सबरीना पर, उसकी मदर पर, कि ये इस रिश्ते को कबूलना नहीं चाहते हैं। इससे जो घर में पारिवारिक कलह हुई उससे परेशानी इकट्ठी हुई और बाद में इतना ज्यादा टेंशन हो गया, राजकुमार ने प्लान किया कि वो मोहम्मद फरमान को रास्ते से हटा दे। इसके तहत उसने अपने दोस्त मुस्तकीम को अपने साथ मिला लिया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उसको बचाने आया मोहम्मद इदरिस, जो कि फरमान का पिता है, उसको भी कुछ चाकू लगे हैं। हमने हत्या का मामला दर्ज किया है और दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है। हमारी IP स्टेट पुलिस स्टेशन की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए और सूझबूझ से इस केस को केवल 8 घंटों के अंदर सॉल्व कर लिया है। दिल्ली में